पेड़ पे एक गौरैया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटे थे। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारी खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आग तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकते, कुछ हुआ तो क्या होगा। ये बात सोचकर ही माँ गौरैया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने बच्चों को कहता है, बच्चों तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जाऊंगी और खाना लेकर जल्दी चली आऊंगी, तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है, थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील, जब से माँ गौरैया के बच्चे हुए थे तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे, और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गौरैया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, हे आखिर में वो दिन आ ही गया, आज मेरा सपना पूरा होगा, गौरैया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गौरैया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई, तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों तुम लोग कहाँ चली गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई, कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओ तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया, ऐसा काम तुमने कैसे किया, वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर, तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही है, लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरा बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग, वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है, अच्छा ही है, अगर तू मुझे रोज खाना ला के देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना कैसे लाऊंगी, मैं तो छोटी पंछी हूँ, तुम्हारी जैसे बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी माँ गौरैया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान क्या हुआ, मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो, मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा, मैं करूंगी। अगले दिन से गौरैया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गौरैया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गई, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा, आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे ही सोच वैसे ही काम, जब वो चील के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ, जितना कर सकती हूँ, अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है, जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ, तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्ची लोग सब ठीक है, क्या ये काफी नहीं है, अभी भी देखने का टाइम नहीं आया, जैसा काम कर रहा है करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा, तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। अच्छा जा, 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 निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुनकर गौरैया वहाँ से चली गई।
आंखों में आंसू लिए गड़विया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या। मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहां आई और उसे पूछी, क्या हुआ गड़विया, तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गड़विया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गड़विया की बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था। मन उदास करके यहाँ से चला गया था। लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस के बातें सुनकर गड़विया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा। और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूँगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूँगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा, मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रो किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को, बहुत मुसीबत में पड़ कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है, ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ, अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गड़विया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गड़विया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह के उस चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ, उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गड़विया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गड़विया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ, इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, चाहिए, खाना लाई हूँ। आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें, तुम आराम से खा लेना। अच्छा अच्छा, ये बात है, अच्छा चल फिर। ये सब कह के गड़विया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुँचता है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहाँ देख कर चील कहता है, ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ मुझे पता है, मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था, याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे, आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर दस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है।
और वो हो जाता है किंग कोबरा के उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गरिया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया। एक जंगल में एक गरीब बंटी कबूतर रहा करता था। वो एक किसान था। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था, लेकिन वो हर रोज कुछ बड़ा हासिल करने के चक्कर में रहता। और इस सोच के साथ वो अपने खेत की खुदाई करता कि शायद उसे कहीं से कोई खजाना मिल जाए और वो एक रात में ही अमीर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने खेत में हल चलाता और खजाना ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। वो मायूस अपने घर लौटता है और अपनी बीवी नीली चिड़िया से कहता है, अरे नीली, मैं रोज मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं होती। काश के मुझे कोई खजाना मिल जाए और हम लोग रातों रात अमीर हो जाएं। अरे चुन्नू के अब्बा, तुम भी कमाल करते हो। आजकल वो दौर ही कहाँ रहा है जहाँ पर खजाना हाथ लग जाए। तुम बस अपने खेतों में लगन के साथ काम करते रहो, हमारे लिए यही बहुत है। नीली, तुम्हारी तो सोच ही बहुत छोटी है। अपनी सोच बड़ी रखोगी तभी कुछ हाथ आएगा। काश के वो दिन आए जब मुझे कोई खजाना हाथ लगे। सुबह उठकर बंटी कबूतर दोबारा अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। आज का दिन उसके लिए बहुत लकी साबित हुआ। खुदाई के दौरान अचानक से उसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। जैसे ही उसने इस देग को देखा, बहुत खुश हुआ और इसके दिल में खजाने का ख्याल आया। अरे आज तो लगता है कि खजाना हाथ लग ही गया है। जब भी तो इस देग को किसी ने जंगल में खुदाई करके जमीन में छुपाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि इसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके, लेकिन जैसे ही इसने देग में देखा तो उसे पता चला कि देग तो अंदर से बिल्कुल खाली थी। और इसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी और इसने दोबारा जमीन को खोदना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ पर कुछ और मिल जाए, लेकिन इसके हाथ कुछ न आया। इसने गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी जो कि सीधी जाकर देग में गिरी। कुछ देर वो इसी मायूसी में दरख्त के नीचे बैठा रहा और जब वो वापस अपने घर जाने के लिए कुल्हाड़ी उठाने के लिए उठा तो इसने देखा कि देग में एक कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी 100 कुल्हाड़ियां हैं। ये देखकर तो इसकी आंखें चमक उठी। वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसे समझ में आ गया कि ये देग कोई आम देग नहीं है बल्कि ये कोई जादुई देग है। जब भी तो इसकी एक कुल्हाड़ी पूरी 100 कुल्हाड़ियों में तब्दील हो गई। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर सबकी नजरों से बचाकर घर लिया और जब इसने देग को देखा तो उसे एक कमरे में छुपा दिया और अपनी बीवी नीली चिड़िया से कहा, अरे नीली, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या खजाना हाथ लग गया है जो आज इतने खुश दिखाई दे रहे हो? अरे हाँ बिल्कुल, खजाने से भी बड़ी चीज मेरे हाथ लगी है। इसके बाद वो सारी बात नीली चिड़िया को बता देता है और उसे किसी को भी बताने से मना करता है। नीली चिड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात को दोनों मियां बीवी ने देग को आजमाने का सोचा। नीली चिड़िया ने देग में एक आम डाला तो थोड़ी ही देर में वो 100 आम बन चुके थे। अब तो इनका यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वो दोनों रोजाना देग में कोई न कोई चीज डालते और फिर उसके बदले 100 चीजें हासिल करते। एक सोने का सिक्का डालते तो वो 100 सोने के सिक्कों में तब्दील हो जाता। इस तरह से वो बहुत ज्यादा अमीर से अमीर तर होते गए। अमीर होने के बाद वो दूसरे अपने गरीब परिंदों की भी मदद करते और जो भी उनके दर पर आता कभी उसको खाली हाथ नहीं लुटाते थे। नीली चिड़िया अपने दोस्तों की भी मदद करती रही। नीली चिड़िया ने अपने गरीब दोस्तों की भी मदद की और उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे कर दिए। अचानक से इनकी जादुई देग की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। ये खबर कालू कौवे के पास भी जा पहुंची। कालू कौवा बहुत ही चालाक और लालची इंसान था और वो पहले से ही बहुत अमीर था, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं होती थी। इसके पास तो उसका अपना भी बहुत सारा खजाना मौजूद था। इसके बावजूद उसने मजीद खजाने की हवस थी। इसने सोचा कि ये देग अगर उसे मिल जाए तो इसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसने रातों रात एक प्लान बनाया ताकि वो बंटी कबूतर की देग को चुरा सके। रात को जब दोनों मियां बीवी सो रहे थे तो कालू कौवा अचानक से उनके घर में घुस आया और उस जादुई देग को उठाकर वहां से फरार हो गया। सुबह जब बंटी कबूतर और नीली चिड़िया नींद से बेदार हुए तो जादुई देग को वहां ना पाकर वो बहुत परेशान हो गए। दूसरी तरफ कालू कौवा जादुई देग को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अब अमीर से अमीर तर होने वाला था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो खुशी के मारे जादुई देग के ऊपर उड़ने लगा
अचानक से वो डगमगाया और देग में जाकर गिर गया। अब क्या होना था, जादुई देग की वजह से देग में से मजीद 100 कौवे निकल आए। इन्हीं 100 कौवों में एक असली कौवा भी मौजूद था, लेकिन वो सब कौवे देग के हसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते तमाम कौवों ने लालच में आकर एक दूसरे को कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असली कौवा भी जिंदा न रहा। मिनी चिड़िया और बंटी कबूतर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी जादुई देग चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि काला कौवा था। वो खामोशी के साथ वहाँ पहुँचे और अपनी जादुई देग उठाकर वापस घर पहुँच गए और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस वाक्य से तमाम परिंदों को भी सबक हासिल हो गया कि जादुई देग उन लोगों को फायदा नहीं दे सकती।